इंडियन मूवीज में इतना ज्यादा इवोल्यूशन आ गया है कि वो टाइम अब दूर नहीं है कि इंडिया में भी हाई वीएफएक्स और एक अच्छी सुपर हीरो वाली मूवीज देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों एक नई कन्नड़ा मूवी जो है रिलीज हुई है काफी समय से, जिसका नाम है बगीरा। बहुत सारे भाई लोग इस मूवी की ओटीटी रिलीज की डिमांड कर रहे थे, तो हाँ भाई वीडियो हाजिर है, आपके कमेंट मैं पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि भाई वीडियो बनानी चाहिए तो वीडियो आ जाती है, तो इस बात पर लाइक जरूर कर देना। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। दोस्तों नो डाउट बगीरा मूवी जो है काफी ज्यादा हाइप में मची हुई है, क्योंकि सुपर हीरो वाली जो मूवीज होती है वो लोग भाई काइंड ऑफ देखना चाहते हैं कि इंडिया वालों ने क्या ही बना दिया। मतलब हमारे देश में भी दोस्तों सुपर हीरो वाली मूवीज आ रही है और अच्छे खासे वीएफएक्स के साथ में आ रही है, तो मजा तो आता है। खैर बात करें इस मूवी के बारे में, मूवी थिएटर में 31 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। मूवी फिलहाल हिंदी डब में देखने को नहीं मिलती है, ये दोस्तों थिएटर में लगी रही। मूवी का जो बजट था वो 40 करोड़ का था, लेकिन मूवी का जो कलेक्शन है वो लगभग 18 करोड़ का हुआ है। मूवी उतना ज़्यादा बेकार तरीके से फ्लॉप भी नहीं हुई है, मतलब एक डिसेंट परफॉर्मेंस इसने दिखाई है जो कि ऑडियंस के नज़र में ये मूवी आई है। मतलब ये ओटीटी पर आती है तो अच्छी खासी मतलब जमकर चल सकती है। अब बात करें कि भाई मूवी की जो है मूवी के जो राइट्स है वो कौन एक्वायर करके बैठा हुआ है, किसने भाई इसके राइट्स खरीदे हैं। दोस्तों होमवाले फिल्म्स की ये मूवी है, इस मूवी के जो राइट्स है वो एक्वायर किए इस बार नेटफ्लिक्स वालों ने। होमवाले फिल्म्स का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि भाई आपको पता होगा होमवाले फिल्म्स की कई सारी मूवीज़ है, जैसे कि दोस्तों कांतारा और दोस्तों और भी कई सारी मूवीज़ है, यानी कि KGF, ये जो बड़ी बड़ी मूवीज़ है मैक्सिमम टाइम दोस्तों ये प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो मूवीज़ है यानी कि इस मूवी के जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने एक्वायर किया है। बताया ये जा रहा है कि जब ये मूवी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आएंगी उस टाइम पर ये हिंदी डब में भी देखने को मिल सकती है। तो हाँ ऐसी भी रिपोर्टें निकल कर आई है, रिपोर्टें मतलब रिपोर्ट निकल कर आई है, तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अगर हिंदी डब में आती है तो भाई हम हिंदी ऑडियंस तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो ही जाएंगे। और दोस्तों बात करें कि रिलीज डेट क्या है, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। दोस्तों साउथ की मूवीज़ की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि इनका जो ओटीटी का टाइम पीरियड होता है, ओटीटी पर आने का समय, वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड मूवीज़। तो हाँ ये मूवी आपको थोड़ा जल्दी देखने को मिलेगी। रिलीज डेट के बारे में आपको बता देता हूँ, मूवी दोस्तों 31 अक्टूबर को रिलीज़ हुई है, तो ये मतलब इतनी जल्दी भी देखने को नहीं मिलने वाली, यानी कि नवंबर के मंथ में समझो। ये मूवी आपको सीधा देखने को मिलेंगी दिसंबर में, नवंबर की एंडिंग में भी आने के इसके कम चांसेस है। ये मूवी आपको लगभग 5 दिसंबर के अराउंड यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकती है। हिंदी डब में थोड़ा लेट आएंगी, लेकिन हाँ साउथ इंडियन लैंग्वेज में थोड़ा जल्दी देखने को मिलेंगी, जैसे मैंने बताया दिसंबर के फर्स्ट वीक, एक दो हफ्ते में हिंदी में भी आ जाएंगी। तो ऐसी कुछ बगीरा मूवी की ओटीटी रिलीज डेट रहने वाली है। जैसे दोस्तों आप बताना क्या इस मूवी के ऊपर मैं बैक टू बैक वीडियो बनाऊँ जैसे मैं बाकी मूवीज़ के साथ करता हूँ, क्या आप मूवी के लिए एक्साइटेड है, अपनी सारी चीज़ें कमेंट में बता देना। और ये वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।